अस्सलाम वालेकुम, मैं राना जवाद अहमद आज फिर हाजिर हूँ एक बाइक के साथ जो कि यामा YBR 125 मॉडल है। हमारे पास 2018 मॉडल है ये यामा का। तो आइए ज़रा अब इसके थोड़े से फंक्शंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका भी थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं आपको। तो अगर हम इस साइड पे आए तो इसका मीटर चेक करें। मीटर बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल रेंज में बाइक है। अगर इस रेंज में आप बाइक लें तो आपको ये फंक्शनैलिटी मिले तो बहुत ही मतलब मुनासिब रेट है। तो इसकी तरफ अगर हम आएँ तो इसको देखते चलें। इस पे देखिए जी, RPM भी दिया हुआ है और रेस मीटर भी है इसमें, और फ्यूल गेज दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना फ्यूल है कितना नहीं है। तो ये भी इसकी अच्छी क्वालिटी है। तो ये इंडिकेटर की लाइट्स वगैरह भी ऑन होती है, न्यूट्रल की भी शो होती है, इंजन स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट है। सबसे अच्छा जो एडवांटेज है इसका, ये लो बीम हाई बीम के लिए भी लाइट्स उन्होंने दी गई है। तो ये इंडिकेटर की लाइट होगी। तो जो इसका ये आप ये देख रहे हैं ना, ये चीज़ इसमें गेयर ऑयल डलता है, और दूसरा इसमें डिस्क ब्रेक्स फ्रंट व्हील में दी गई हैं। तो ये फंक्शन अगर आपको समझाऊँ तो यहाँ पे लाइट ऑफ है, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो ये पार्किंग लाइट है, इसके आगे चले जाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। इधर आएँ तो इस तरफ देखिए, ये लो बीम हाई बीम का बटन ये है, और ये इंडिकेटर्स की लाइट्स के लिए ये वाली चीज़। और इसमें यह है कि आप जब इधर लेके आएंगे तो ये खुद ब खुद प्रेस होकर वापस चला जाता है। तो इसको आप फिर एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये इशारा जो है ना ऑफ हो जाता है। तो इसको मैं अब आपको सेल्फ स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी की लगाएंगे। जो इसका हैंडल लॉक है वो की के अंदर ही दिया गया है, इसी साइड पे दिया गया है। तो आप इसको भी प्रेस करें तो ऐसे नॉर्मली नहीं होता, इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, फिर ये ओपन होता है, खुल जाता है। तो ये देखिए इसका ये खुल गया इस टाइम। अब इसको मैं आपको सेल्फ स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इस टाइम ये न्यूट्रल नहीं खड़ा हुआ, ये इस पर गेयर लिखे आ रहे होते कि कौन सा गेयर है। इस टाइम ये पहला गेयर इसमें है, तो इसको मैं न्यूट्रल करता हूँ। तो न्यूट्रल ना भी करें तो आप इसको, ये है कि आप क्लच दबाएं और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह, मतलब यूँ दबा के इसको आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो मैं आपको बताता चलो, वो थोड़ी सी आम बाइक से उल्टी ही है, तो इसमें उलट चलना पड़ता है। तो इस टाइम देखें आप, अगर इसकी लाइट देखें न्यूट्रल पर आ गई है तो आप फिर ये इसके ये सेल्फ है तो इसको आप प्रेस करें। ये देखें ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बाकी इसका ये इस साइड पर इसका हॉर्न दिया गया, तो ये इस टाइम स्टार्ट है। इसका फ्यूल गेज ये इन्होंने अच्छा ऑप्शन दिया है बाइक के लिए। बाकी इसका ये डिज़ाइन देखें, स्पोर्ट डिज़ाइन बनाया गया है इसका, स्पोर्ट्स बाइक टाइप का। तो फ्रंट व्यू की तरफ आते हैं इसके। और इसकी जो लाइट है वो है बहुत तेज़, लेकिन अगर सामने आप खड़े होते तो आँखों में नहीं पड़ती लाइट इसकी। तो ये भी इसका एडवांटेज में ये लाइक किया जाता है कि आँखों में लाइट ना पड़े। तो ये इसके टायर्स देखने, इसके ये इसकी डिस्क ब्रेक है इसमें फ्रंट टायर में, टायर को भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। ये इसका इंजन रहा, 125 इंजन है इसका, इंजन कैपेसिटी है इसकी। तो ये बैक टायर, साइलेंसर, YBR 125 के नाम से इसको जाना चाहता है, जो कि यामा का मॉडल है। तो काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसको देखें तो ये थी आज के लिए हमारी वीडियो यामा बाइक की YBR 125। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।